नमस्कार और स्वागत आप सभी लोगों का फिर से। मैं हूँ योगी सारस्वत। और ये जो देख रहे हो आप अभी, बागे बहु बोलते हैं इसे, मतलब गार्डन ऑफ बहु। अब बहु एक्चुअली जो जम्मू शहर के फाउंडर थे ना, उनका नाम था जम्बू लोचन। इसीलिए कभी कभी ना पहले जम्मू को जम्बू लिखा जाता रहा है। जम्बू लोचन के छोटे भाई थे बहुलोचन, और उनके नाम पे इस गार्डन का नाम पड़ा है, गार्डन ऑफ बहु, मतलब बहु बागे बहु। और बिल्कुल इसका जो रास्ता है, जो फोर्ट है ना बहु फोर्ट, उसके पास में इसका रास्ता है। इसके साथ साथ एक बड़ा सा एक्वेरियम भी है, और एक्वेरियम का टिकट है 30 रुपीज़ का, इसका टिकट है 24 रुपीज़ का। और बड़ा सुंदर है, मतलब अगर मैं कहूँ कि देखने वाली जगह है जम्मू। ऐसे हमने ना थोड़ा सा ना क्या बोलेंगे, अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। लोग श्रीनगर चले जाते हैं कश्मीर के नाम पे, हालांकि मैं श्रीनगर से लौट के आ चुका हूँ जब ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। एक तरह से मुगल गार्डन है, आप कह सकते हैं ऐसे मुगल गार्डन है जम्मू का। श्रीनगर का तो मुगल गार्डन फेमस है ही है, वर्ल्ड फेमस है, लेकिन जम्मू का ये जो गार्डन है ये भी बड़ा फेमस भी है और वेल मेंटेन्ड भी है, लेकिन उतना फेमस नहीं कह सकते जितना मुगल गार्डन है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के साथ साथ फैमिली भी अपना बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं इधर। वीकेंड में हो जाता होगा कि हो सकता है थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ रहती हो, लेकिन जब मैं आया हूँ तो उतनी भीड़ नहीं है, खाली खाली सा है। बहु फोर्ट में माता महाकाली का मंदिर है अंदर, तो वहाँ पे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक दो फोटो लिया शुरुआत में, आपने थोड़ा सा वीडियो भी देखा होगा अंदर का, लेकिन वो सब बाहर से लिया था, तो मतलब अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इवन कि अपनी एक अंदर की जैसे फ़ोटो ले लेते हैं ना मेमोरी के लिए, वो भी कुछ नहीं था, बिल्कुल भी परमिशन नहीं होकर के। जम्मू इस बार अच्छा एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया, हमें 5-6 दिन स्पेंड किए हैं इधर, और जो नई नई जगह थी वो खूब अच्छी कवर की हैं। आप देख ही रहे हो, लगातार देखते आ रहे हो, जिसमें पांडवों के मंदिर हम हो आए, और बबोर के मंदिर, काले से मंदिर, और तो मामा, तो ये बड़े, और लेक भी, मानसर, सुरिनसर, ये सब लेक बड़े अच्छे लगे हैं। और इस बार ना हमारा टाइम बड़ा अच्छा, कहेंगे कि जम्मू का टाइम अच्छा स्पेंट हुआ है। अदरवाइज़ तो पहले बस जम्मू स्टेशन उतरे, वहाँ से कटरा की बस पकड़ी और माता वैष्णो देवी के दर्शन करके फिर इसी तरह से लौट जाया करते थे। लेकिन अब तो खैर कटरा तक सीधे ट्रेन हो गई है, वो अलग बात है, लेकिन मैं मतलब बता रहा हूँ कि, और मेरी तरह ही मोस्टली लोग करते भी हैं कि जम्मू का मतलब उनके लिए बस होता है कि ये माता वैष्णो देवी के दर्शन। इससे अलग हटके भी बहुत कुछ है जम्मू में, आप देख ही रहे हो। और मैं कहूँगा आपसे कि अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी जम्मू आते हो ना, तो बलिदान स्थल जो मैं दिखा चुका हूँ अपने वीडियो में, और इसके बाद ये बहु फोर्ट तो फेमस है ही है, लेकिन आई थिंक कि ये वाला बागे बहु और एक्वेरियम ज़्यादा फेमस नहीं है शायद, मतलब लोगों के दिमाग में नहीं रहती हैं ये चीज़ें कि यहाँ तक भी जा सकते हैं। आप देखिए,
अल्टीमेटली हम आ गए तभी नदी पे। ये तभी नदी दिख रही है और उधर दूसरी साइड में आपको एक और कोई फोर्ट जैसा दिख रहा है, पता नहीं वो कौन सा फोर्ट है, दूर दिख रहा है कोने पे। देखते हैं थोड़ा जूम करके, वो दिख रहा है कोने पे, पता नहीं कौन सा है, पता करेंगे। बाकी ये जम्मू की फेमस तवी नदी। ये दूसरी साइड में जम्मू दिख रहा है, जम्मू शहर। एक और शायद लेयर बन रही है कि नीचे तक उतरने के लिए गार्डन में, लेकिन गार्डन अच्छा है, 24 रुपीस वसूल हो गए, अच्छा लगा है मुझे। और आप भी आओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आई होप सो। जबरदस्त है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। Yeah.